इसको चक्कर आ रहा है, चक्कर कमजोरी भी है इसको। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्यूट से खास से ब्लॉग में। तो ये देखो, ये तो टोपी है और ये देखो, ये हम लोगों ने ना मेला में से खरीदा है, हेयर बैंड है, हेयर बैंड। मेरी मम्मी देख रही है, हाय। देखो बताना कमेंट में कैसा लग रहा है, और कोई सॉन्ग हो जो कि इस पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा हो तो बताना सॉन्ग भी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस पर मैं वीडियो बना सकूँ। आप लोग को पता है ये 3 कलर का है, देखो ये 1 कलर का हो गया, ये दूसरे कलर का हो गया। कहाँ से देख रही है, एक कॉमेडियन से भरपूर है। तो ये दूसरे कलर का हो गया, ये तीसरे कलर का, और ये बंद। देखो मैं फिर से दिखा रही हूँ, 1 कलर, 2 कलर, ये पूरा मतलब भूख भाई नहीं होगा, पूरा जलते रहेगा, तीसरा है ये, और उसके बाद बंद हो जाएगा। ये पहले वाला बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, जब भूख भाई, और दूसरा वाला भी हो रहा है लेकिन थोड़ा रुक रुक के, और तीसरा वाला तो एकदम शांत। कैसा लग रहा है मम्मी, हैं? अच्छा पानी लग रहा है, कपड़ा पहने है पगलेट वाला, कपड़ा पगलेट वाला, हेयर बैंड पानी वाला। तो फ्रेंड्स अभी सुबह का समय है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और देखो हमारे घर पे खाना बन गया इतना सुबह सुबह, क्योंकि हम सभी को जाना है शूट करने। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे घर पे चाय बना है, दीदी ने बनाया है। क्या क्या डाली है इसमें? चीनी, चाय पत्ती, अदरक और नमक। नमक, चीनी, चाय पत्ती, अदरक और नमक। पानी डाले या ना डाले चाय बन जाएगा। पानी तो सबको बोल रही है, पानी का नाम ही नहीं ले रही है। तो फ्रेंड्स जिस जिसको पीना है ना आ सकते हो, लीजिए दीदी आपको इसी में दे दे कटोरा में, क्योंकि आप कटोरा में ही पीती हैं। फ्रेंड्स देखिए दिख रहा है, कहाँ है, कितना बा, कौन बा, ठीक है। और दे दे ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में आगे तक बने रहिए, अभी चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद रेडी होके शूट के लिए लोकेशन पे जाना है। तो देखो आज क्या होता है, मैं तो कुछ दिन से रेडी हो रही हूँ पर पता नहीं क्या हो जा रहा है। और देखो आज मैं कपड़ा निकाल के पूरा रखा हुआ है, मेकअप का सामान भी, और एक चीज दिखाना है। देखो मैं शुरुआत में दिखाने वाली थी लेकिन मैंने सिर्फ अपना ये हेयर बैंड दिखाया, और ये देखो ये डॉक्टर है और ये खरगोश है। देखो ये पर्स है मेरा, न बताना कमेंट में कैसा लग रहा है, और इस पर मैं वीडियो बनाऊं या नहीं, ये दोनों बताना, ठीक है। तो आगे तक बने रहिए, बाकी मैं जा रही हूँ अभी चाय पीने। बाप रे, खाना ऐसा बनाती है ना कि कोई इंसान अंदर रह ही नहीं पाए। क्या बन रहा है? फ्रेंड्स हमारे घर पे बन रहा है सब्जी चावल। किस चीज का सब्जी बन रहा है दीदी? आलू पटल। जब पटल मतलब तल रही थी तो खुशबू इतना अच्छा था ना कि ऐसा लग रहा था कि क्या बना रही है, लेकिन जब पता चला कि तो पटल है तब पूरा दिमाग उलट पुलट हो गया। हमको लगा कि कुछ अच्छा बना रही है, मतलब पटल भी अच्छा है लेकिन फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ड्रेस, ये भीग गया था कल तो इसको सुखा रही हूँ मैं। और इधर भी देखो मेरा शॉर्ट जो कि मैं हमेशा पहन के जाती हूँ,
और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, आज दूसरा दिन है ये, मतलब जिस दिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था उस दिन मैं शूट करने लोकेशन पे नहीं गई, जिस कारण मेरा ब्लॉग भी नहीं बना। तो फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग दोबारा वाला, क्योंकि एक ही ब्लॉग में दो दिन का पूरा कंटेंट डाल रही हूँ, क्या क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। और उस दिन ये क्या था दीदी, माता रानी का ना विदाई हो रहा था, और कुछ बोलते हैं ना इसको, भसान, हमारे यहाँ भसान बोला जाता है ना, तो वो हो रहा था। तो भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा थी फ्रेंड्स, इसीलिए वो भी एक कारण है। और एक कुछ और कारण था जो कि कभी भविष्य में शेयर करूंगी। तो देखिए, देख रही है क्यों देख रही है, कैसा सब्जी बनाई है, आदमी बोल भी नहीं पा रहा है। इस सब्जी बनाते हैं तो पूरा इंडिया हिल जाता है। अब बोलती है लोग, अगर मतलब कोई और सब्जी बनाएगा तो बोलती है कि झाक नहीं खेला होता है, अब नहीं खेला लगत कि सब्जी बनता तो क्या बनता है। इनका ये प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग में आगे तक बने रहिए, आज हम लोग जाएंगे ना दीदी, आज कैसे भी जाएंगे लोकेशन पे, क्योंकि शूट भी बहुत दिन से छूटा हुआ है मेरा, मैं एक भी डांस वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। और फ्रेंड्स आप सभी से हाथ जोड़ के मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो, अपना आशीर्वाद देते हो, वैसे ही अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। और अगर मतलब शूट छूटता भी है तो प्लीज आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझिए, क्योंकि मेरे पास लोकेशन नहीं है अभी कोई, तो इसी वजह से मतलब छूट रहा है शूट ना दीदी। नहीं तो मेरा भी ऐसे मन है कि डेली मैं बनाऊं, और मैं इसीलिए रो भी रही हूँ। और एक ये भी वजह है कि उस दिन मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे पास लोकेशन है ही नहीं, बाहर जाओ तो लोग चिल्ला रहे हैं, वहां चाय की दुकान पे चिल्ला रहा था सब, पेट्रोल पंप है वहां पे पास में, तो उसमें से सब खड़ा होकर चिल्लाता है तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता ना कि क्या हो रहा है, क्या कर रही हूँ मैं। तो ये भी एक वजह है शूट ना करने का, लेकिन अब मेरे पास जल्दी से अगर लोकेशन हो जाए ना तो मैं बहुत ही सुकून से शूट करूंगी। मैं यही बोलती हूँ कि बहुत खुशकिस्मत वाले वो लोग हैं जिनके पास लोकेशन है, छत है ना दीदी, बहुत ज्यादा खुशकिस्मत वाले हो आप ऐसे ही काम करो। मेरी तो जो लाइफ है ना वो यहीं पे अटक गई है, अब बस माता रानी अपना कृपा दृष्टि दिखाए और मेरे पास एक डांस लोकेशन हो जाए जहाँ पे मैं सुकून से और डेली डांस वीडियो बना सकूँ, क्योंकि बाहर ना नहीं बन पा रहा है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि मतलब आप लोग अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा, अगर बीच में शूट छूटता भी है तो प्लीज आप लोग समझिए कि प्रॉब्लम है, नहीं तो किसी को भी मतलब ये नहीं है कि अपना कोई काम छोड़े। बाकी थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट, इतना प्यार के लिए और मुझे यहाँ तक लाने के लिए। तो ऐसे ही ब्लॉग में आगे तक बने रहिए, देखिए क्या क्या होता है, और आज कैसे भी हम लोग जाएंगे और दिखाएंगे वहां का लोकेशन, ठीक है। का भाई हाय, का भाई इसको चक्कर आ रहा है, चक्कर कमजोरी भी है इसको। क्या हो रहा दीदी, पोछा लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरी दीदी पोछा लगा रही है देखो, और यहाँ पे देख सकते हो बर्तन रखा हुआ है जो कि मैंने धोया है अपने इन नाजुक फूल जैसे कोमल जैसे हाथों से, इतने सारे बर्तन धोए हैं कि शायद ही कोई धो पाता। अपने मुंह से इतना तारीफ करो, क्योंकि कोई बैठा नहीं है आपकी तारीफ करने के लिए ना दीदी, सारे लोग तो इतने ज्यादा बैड कमेंट्स कर रहे हैं ना, इतने ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि इसके पास ना बहुत ज्यादा पैसा आ गया है इसीलिए ये थोड़ी मोटी हो गई है। और बताओ, मैं शूट करने गई थी तो मुझे चक्कर आ गया था, मैं गिरते गिरते मतलब समझ लीजिए मैं गिर ही गई थी, मैं बैठ गई थी जाके, इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ और इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ली हूँ ना, इतनी ज़्यादा सोची हूँ मैं लोगों के
बारे में कि क्या बताएं, लेकिन मैंने ठान लिया यार अब नहीं सोचूंगी क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, ठीक है, और मैं स्कूल भी नहीं कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स आज लोकेशन पे गई थी फिर भी वीडियो नहीं बन पाया, एक तो वहाँ पे जगह कम है, बहुत ही कम है, और पास में इनार है उसमें पूरा फुल पानी है और एकदम काला काला पानी है, फिर भी शूट नहीं हुआ, मतलब जगह बहुत कम है वहाँ पे। आप लोग सोच सकते हो कि इनार के पास अगर मैं आसपास भी जाऊंगी, अगर मैं गिर गई बाप रे तो मेरा क्या होगा, क्या बताऊं। बस यही बोलूंगी कि सपोर्ट प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, कितना प्रॉब्लम शेयर करूंगी, मतलब शेयर करते करते ना मेरा मुंह भी दुख जाता है और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं ऐसे सुन के, कुछ लोग और ज्यादा बोलते हैं ना पाजना वो होता है, और क्या कह सकते हैं। यही बोलेंगे कि अभी फिलहाल इसके पास सर्टिफिकेशन है नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब ये होता है ना कि मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रही है, लोकेशन नहीं है आजकल, बहुत ज्यादा परेशान रही है कि कैसे भी इसको समझा बुझा कर मतलब रख रहे हैं, समझा बुझा कर नहीं है ना, इसको लगे कि इन हमको भूलिया के रख रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब समझा रही है कि अभी लोकेशन नहीं है, लेकिन माता रानी पे भरोसा रखो और जो तुमको चाहने वाले हैं जो सपोर्ट करते हैं तुम्हारा लोकेशन नहीं, मतलब तुम 10 दिन भी या 1 मंथ भी रुक जाओगी तो तुम्हारा रिस्पांस वैसे के वैसे ही रहे, ये डरती है ना कि रिस्पांस मेरा खराब हो जाएगा, मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, तो आप लोग प्लीज इसका वीडियो आजकल नहीं आ रहा है, कभी कभी जहाँ लोकेशन फिलहाल कभी कभी मिल जा रहा है तो वहाँ शूट हो रहा है, तो प्लीज आप लोग मतलब इसका प्रोफाइल छोड़ के कहीं जाइएगा मत, जैसे आप लोग जैसे रेगुलर वीडियो डालती है वैसे प्यार और दुलार आशीर्वाद देते हैं वैसे आप लोग नहीं डाल रहे हैं, फिर भी दीजिए क्योंकि और इसको हिम्मत दीजिए ताकि ये लोकेशन के बारे में ज्यादा ना सोचे, माता रानी पे भरोसा रखे, और लोकेशन का क्या, लोकेशन माता रानी का आशीर्वाद रहा, आप सबका आशीर्वाद रहा तो एक दिन डांस लोकेशन इसका जरूर मिलेगा, अपना होगा, तो प्लीज अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही अपना बनाए रखिए ताकि इसको हिम्मत मिले और ये मोटिवेट हो, क्योंकि लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है इसको, तो अपने इसका प्रोफाइल छोड़ के जाइएगा मत, नहीं तो ये इतना परेशान होगी कि मतलब तबीयत खराब कर ली, खाना वाना सब कुछ छोड़ दी है, चिंता का बात बहुत ज्यादा। देखिए नमक रोटी खा लेंगे तो हम महीना रह सकते हैं, सालों रह सकते हैं नमक रोटी खा के, पर यही काम है इसका। और फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है रेंट पे मतलब कोई करने नहीं देता है, रेंट पे छत पे तो अलाव ही नहीं होता है, नहीं बिल्कुल भी, कहीं भी अलाव नहीं है, अगर कोई दे भी दे तो आसपास इतना, अगर कहीं मालिक मतलब बोल भी देता है ना, एक जगह हम लोग थे तो वहाँ पे रोक टोक नहीं था तो आसपास के लोग सही नहीं थे, वो बार बार बोलते थे, कमेंट सब अपने अपने छत से करता था दीदी, चिल्लाता था तो किसी को भी बुरा लगेगा, तो उन्होंने भी मतलब थोड़ा ऐसे जताया कि छत पे उतना मत बनाया करो, छत पे मत जाया करो तुम लोग, ये वो कोई बात नहीं, बस माता रानी करे कि मेरे पास डांस बैकग्राउंड हो जाए, मैं पूरी लाइफ, देखो लाइट भी चला गया, ये जो लाइट है बल्ब है वो हमारी असली जान है, इसको नजर ना लगे, लाइट जब भी जाता है ना यही शांत देता है, तो बस माता रानी करे मेरे पास डांस बैकग्राउंड जल्दी से आ जाए, क्योंकि मैं पूरी लाइफ रो रही हूँ डांस बैकग्राउंड के लिए, मेरे पास नहीं है यार, भगवान ने इतना अच्छा कला दिया है ना कि जिसकी मैं दिल से कद्र करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ कि मुझे थोड़े बहुत नहीं पर थोड़े बहुत आते हैं, डांस एक्टिंग आता है, जिसको मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप सभी भी प्रे करो और मैं भी प्रे करूँगी कि माता रानी मुझे डांस बैकग्राउंड जल्दी से दे दे, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट करना प्लीज, ब्लॉगिंग भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, डांस वीडियोस तो आजकल मिलेंगे नहीं आप लोगों को, और ब्लॉगिंग भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही रूम में आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, पूरा ब्लॉग एक जैसा होगा, लेकिन फिर भी सपोर्ट करना अगर चाहते हो कि मैं भी कुछ बेहतर करूं और अच्छा करूं तो, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, बाकी जाते जाते आप लोग माता रानी की आशीर्वाद ले लो, देखो दीदी ने दिया भी जला दिया शाम का, ठीक है, बाय।